हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल साइज ऑफ मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मेमोरी है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। और सबसे छोटी जो मेमोरी की इकाई होती है वो होती है बिट। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की और इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को हम शॉर्ट में बिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बिट होता क्या है। मान लो जैसे कि आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो ना ABCD जानता है, ना 0 1 2, ना कोई भी और बाकी लैंग्वेज जानता है। वो सिर्फ जानता है 0 एंड 1, इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं जानता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, जैसे कि आपका स्विच होगा घर में, ठीक है, एक ऊपर को बंद करेगा, नीचे को दबाया तो ऑन होगा, ऊपर को दबाया तो ऑफ होगा, नीचे को दबाया तो ऑन होगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी रूल पे ही हमारा कंप्यूटर चलता है, ऑफ ऑन पे, 0 एंड 1 पे। ठीक है, और ये सबसे छोटी मेमोरी की इकाई होती है। ठीक है, एक, ठीक है, चाहे आप 0 लिखो चाहे आप A लिखो, ठीक है, ये मेमोरी की एक सबसे छोटी इकाई है, या 0 या 1, इसको भी एक इकाई बोलेंगे, इसको भी एक ही इकाई बोलेंगे। मतलब कि 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट के बराबर है, ये भी 1 यूनिट के बराबर है। अब देखिए ये क्या बोलता है, इसके डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 एंड 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, जैसा कि जैसे हमने मैंने आपको बताया, सेम टू सेम इसने क्या बोला, ये सबसे छोटी क्या इकाई है 0 एंड 1, जो कि क्या करता है, पैसिव और एक्टिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, वही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्विच का, अगर हम स्विच दबाते हैं एक बार तो ऑफ हो जाता है और दूसरी बार दबाते हैं तो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वो भी कौन से कॉन्सेप्ट में चल रहा है, 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में चल रहा है। ठीक है, जहां पे भी अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर देखा रहेगा, वहां पे उस कंप्यूटर पे जो बंद करने का ऑप्शन होता है उसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, ऐसा होता है उसमें ऑप्शन। ठीक है, 0 लिखा तो उसके बीच में 1 होता है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप दबाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, यहीं पे दबाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब वो होता है, ये कुछ ऐसा साइन होता है कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने का। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो यही होता है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, 0 या 1, ये भी 1 यूनिट के बराबर है, ये भी 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो अब हमको बिट का पता चल गया, बिट बाइनरी डिजिट। अब देखिए उससे बड़ी इकाई कौन सी होती है, उससे बड़ी यूनिट होती है निब्बल। अगर 4 बिट आपस में जोड़ दिए जाए, 4 बिट, तो उसको हम एक निब्बल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये 4 यूनिट हो गए। ठीक है, ये भी 1 बिट 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 है। अगर हम इसको जोड़ दें आपस में तो ये कितने हो गए, 4 बिट हो गए ना, 4 बिट्स। तो 4 बिट किसके बराबर होगा, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। ओके, चाहे आप ऐसे कर लियो इसको, 0 0 1 0, ये भी कितनी यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है। अब 4 बिट है, मतलब 4 बिट मतलब ये भी 4 बिट्स है, क्योंकि 0 भी 1 बिट्स है या 1 भी 1 बिट्स है, और ये भी किसके बराबर होगी, सेम टू सेम 1 निब्बल के बराबर होगी। अब क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इससे बड़ी इकाई कौन सी है, इससे बड़ी इकाई है हमारे पास, यूनिट है बाइट्स। ठीक है, बाइट। अब बाइट कितना है, ये 8 बिट्स का 1 बाइट हमारे पास होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट हो गए, ये 8 बिट हो गए, 8, ये हो गया हमारे पास 8, सॉरी ये हो गया हमारे पास 8 बिट्स। अब जो ये 8 बिट्स है इसका कितना बना, इसका बना 1 बाइट, 1 बाइट। इसका हमारे पास कितना बना, इसका बना हमारे पास है 1 बाइट। ओके, ये अब देख सकते हैं आप, ऐसे भी हो सकता है 1 0 1 0 0 1 1 1, कितने हो गए, ये 4 4। ठीक है, ये देखिए 4 4, तो ये भी क्या है, ये 8 बिट हो गए, मतलब कि ये कितना, ये 8 बिट्स हो गए, 8 बिट्स का मतलब ये कितना है, इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स था जो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान पे रखिएगा, अब 4 जो बिट है वो 1 निब्बल के बराबर होता है, 4 जो बिट था वो 1 निब्बल के बराबर होता है, मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये 2 निब्बल भी है, ये 2 निब्बल भी है। ठीक है, ये 2 निब्बल है। ठीक है, 8 बिट्स या 2 निब्बल बराबर है, और 2 निब्बल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये
क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी तक का बेसिक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले बिट, बिट होती है सबसे छोटी इकाई, जो कि होती है जीरो या वन, ठीक है, जो ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद कौन सा है, उसका था निब्बल। निब्बल क्या होता है, चार बिट का हमारे पास एक निब्बल होता है, ठीक है। अब बाइट क्या होता है, बाइट सिंपल सी बात है, आठ बिट का एक बाइट होता है या दो निब्बल का एक बाइट हमारे पास होता है। ये हमारा बेसिक था जो हमने अब क्लियर कर लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब इस वाली साइड को पहले देखेंगे। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट, ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट, जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट और वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट। ठीक है, आपने ये वाली टर्म देखी होगी, केबी, एमबी, जीबी। ठीक है, हम सब बातें करते रहते हैं, तेरे में कितनी जीबी की रैम है, मोबाइल में कितनी जीबी की रैम है, कितनी टीबी की हार्ड डिस्क है, कितनी एमबी का स्पेस है ना, ये वाली हमने सारी टर्म है पढ़ी रखी होगी, बट ये वाली कुछ हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या क्या होती है, आप यहाँ पे देख लीजिए। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट और वाईबी योटाबाइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे छोटा था एक बिट, ठीक है, ये तो मैंने बताया था आपको, सबसे छोटा कौन सा होता है, एक बिट होता है, एक इकाई। अगर आपके पास चार बिट हो गए, चार बिट का कितना बनता है, एक निब्बल बनता है, और आठ बिट का कितना बनता है, आठ बिट का हमारे पास एक बाइट बनता है। एक बाइट बनता है ना कितने का, आठ बिट का, या दो निब्बल का भी हमारे पास एक बाइट बनता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ये अगर हमारे पास 1024 बाइट अगर हमारे पास हो तो वो बनता है हमारे पास एक केबी, मतलब कि एक किलोबाइट, 1024 बाइट का एक किलोबाइट होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर 1024 किलोबाइट हो गया तो वो कितना बनता है, वो बनता है एक एमबी, मतलब एक मेगाबाइट। अब देखिए अगर हमारे पास 1024 मेगाबाइट एमबी आ जाए तो वो बनता है कितना, एक जीबी, वन जीबी, ठीक है, वन गीगाबाइट। अब देखिए अगर एक जीबी, अगर 1024 हमारे पास जीबी हो तो वो बनता है हमारे पास एक टीबी, मतलब कि एक टेराबाइट। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर 1024 टेराबाइट अगर हमारे पास हो तो वो बनता है कितना, वो बनता है एक पेटाबाइट, ठीक है। अगर 1024 पेटाबाइट हो तो वो बनता है एक एक्साबाइट। अब 1024 एक्साबाइट हो तो वो बनता है एक जेटाबाइट। अगर हमारे पास 1024 जेटाबाइट हो तो वो बनता है एक योटाबाइट। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई हमारे पास होती है बिट, ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई है हमारे पास इस टाइम योटाबाइट, ठीक है, सबसे छोटी बिट, सबसे बड़ी योटाबाइट, ठीक है। फिर से आप देख लेंगे इसको एक बार, देख लीजिए खुद, एक बिट, ठीक है, सबसे छोटी इकाई, चार बिट का एक निब्बल, आठ बिट का एक बाइट, 1024 का एक किलो, एक केबी, 1024 केबी का एक एमबी, 1024 एमबी का एक जीबी, 1024 जीबी का एक टीबी, 1024 टीबी का एक पीबी, 1024 पीबी का एक ईबी, और 1024 ईबी का एक जेडबी, और 1024 जेडबी का एक योटाबाइट वाईबी। ये सबसे बड़ी है, ये बिग यूनिट है सबसे, और ये वाली सबसे स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी हमारी काम करती है, ये मेमोरी की फाइल साइज है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इसके ऊपर फिर भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।